What's up guys, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वराज गाइडन 3.0। आप देख सकते हैं मैंने ये एक बना लिया है मेरा, तो आपको ये कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइए। तो आज मैं इसरो के बारे में बताने वाला हूँ, हाउ वाज इसरो फॉर्मड। चलो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फिर गाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे हुए फॉर्म हुई थी और कहाँ पर है उसकी लोकेशन और वो क्या क्या कर रही है अभी तक। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो तो आपको तो पता ही होगा, वेरी सिंपल। और बहुत सारे ऐसे स्पेस एजेंसीज है अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि CNSA, NASA और बहुत कुछ, जैक्सा वो। तो फिर अभी आपने सुना होगा कि इंडिया ने मंगलयान लॉन्च किया था 2014 में, 24 सितंबर 2014 को। तो वो तो बहुत अच्छा मूवमेंट था क्योंकि उस दिन हमने एक लॉन्च किया था पहली बार, वो भी मिशन मंगलयान मार्स पे। और फिर उसके बाद हमारा एक चंद्रयान 2 था, पर उससे हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने किया, बहुत कोशिश की, वो बस लैंड ही होने वाला था पर वो क्रैश हो गया। तो अभी वो हम बाजी को रख देंगे। और वो इसकी लोकेशन कहाँ है, ये क्या कर रहा है अभी अभी, तो वो बताता हूँ। तो अभी तक इसका एक मेन ऑफिस श्रीहरिकोटा में है, जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं वो चलाते हैं। ये एक गवर्नमेंटल है, वो पहले गवर्नमेंट नहीं था, अभी ये गवर्नमेंटल है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट, अभी कौन से युग में तो भी गवर्नमेंट हुआ है, तो पहले नहीं था वो गवर्नमेंट। और इसरो के पास सबसे पहले लॉन्च पैड नहीं था, उनने एक नारियल के पेड़ से लॉन्च किया था आर्यभट्ट रॉकेट नाम से। और ये फॉर्म 15 अगस्त 1969 में हुआ था, मतलब कि हमारी ही इंडिपेंडेंस डे के दिन, पर 69 नहीं था वो था हम कब आजाद हुए थे। मैं आपको बताया था कि उसका हेडक्वार्टर श्रीहरिकोटा में, उसका बस लॉन्च पैड है और उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, श्रीहरिकोटा में ही है वो। तो फिर और विक्रम साराभाई ही थे वो फाउंडर, और APJ अब्दुल कलाम आप पूछोगे। और गाइस अब क्या आपको मालूम है, हमारी इसरो जो है वो फिफ्थ स्टेज पे आती है सारे इनमें। सबसे फर्स्ट में है नासा, आपको तो पता ही होगा, बाद में नथिंग, आई डोंट नो, पर है हमारी फिफ्थ है कौन सी, तो वो इसरो। और अभी तक 2022 में इसरो का चल रहा है कि हम एक गगनयान मिशन भेजिए जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और जो कि बस स्पेस में जाएंगे और वहां से काम करके नीचे फिर वापस आएंगे, इनका भी ये प्लान चल रहा है। और वो बाद में एक मॉम टू भी भेजे मिशन ओवर मार्स, वो भी लैंडर के साथ, जी हाँ लैंडर के साथ वो भेज रहे हैं। तो फिर आपको मालूम ही होगा कि वो गगनयान अगर भेजा तो अगर हमारी फोर्थ हो गई, तो जब अगर फर्स्ट पे अगर हमने नासा को पीछे छोड़ लिया तो हम तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, मतलब सारे इसमें तो हम फर्स्ट ही हो जाएंगे ना। यस, तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।